हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर। इसके अंदर अप्लाइड मैकेनिक्स के हम पांच चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पांच चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर हमारा है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बल निकाय। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर हर एक लेक्चर वाइज आपको मैकेनिक्स के सारे लेक्चर मिलेंगे। आप ए टू जेड आप पूरी तैयारी इस चैनल पर से कर सकते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बल निकाय का परिचय, ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स होती क्या है, यांत्रिकी होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों के द्वारा दृढ़ पिंडों पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाता है, ठीक है। यांत्रिकी के सिद्धांतों का इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही इंजीनियरिंग यांत्रिकी या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाता है, ठीक है। यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग फ्लूड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, ऊष्मा गति की मशीन, अभिकल्पन या फिर फ्रिज या एयर कंडीशन आदि में कई वर्षों से किया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार इंजीनियरिंग एक मूलभूत विषय है जिसका अध्ययन अभियांत्रिकी के सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। मतलब इंजीनियरिंग के सभी स्टूडेंट्स के लिए इसका अध्ययन करना जरूरी है। यांत्रिकी को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, और वो दो भाग कौन कौन से हैं, वो इस प्रकार से हैं, स्टेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टेटिक्स मतलब स्थैतिकी, डायनेमिक्स मतलब गति की। गति की को भी आगे दो भागों में बांटा गया है, मतलब शुद्ध बल गति की और बल गति की, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्थैतिकी मतलब स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये चीज होती क्या है, ठीक है। देखिए, जब कोई पिंड या वस्तु बलों के प्रभाव द्वारा संतुलन की अवस्था में रहती है तो इस स्थिति को स्थैतिकी कहते हैं। स्थैतिकी कहते हैं मतलब वस्तु कोई गति नहीं कर रही है बिना हलचल के, किन्हीं दो या दो से अधिक बलों के कारण साम्यवस्था की स्थिति में है, ठीक है, और उसमें कोई गति नहीं हो रही है, तो उस पर लगने वाले जो बल होते हैं उसको बोलेंगे हम स्थैतिकी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं आपको, किसी टेबल पर हम कोई बुक रख देते हैं, ठीक है, बुक के कारण टेबल पर नीचे की ओर बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो जो वस्तु है मतलब किताब है वो साम्यवस्था की स्थिति में है, तो उस पर जो लगने वाले बल हैं उनको हम पढ़ेंगे स्थैतिकी के अंतर्गत, ठीक है। अगर हम अगले वाले भाग में बात करें गतिकी में, गतिकी में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक बल किसी वस्तु पर लगे हुए होते हैं और बल लगने के बावजूद भी वो वस्तु साम्यवस्था की स्थिति में है, ठीक है, तो उसको हम गतिकी बोलते हैं। समझ में आया? दोबारा बता देता हूं, जब कोई पिंड या वस्तु बलों के प्रभाव द्वारा गतिज अवस्था में रहती है तो इस स्थिति को गतिक स्थिति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर घड़ी, घड़ी का जो पूरा सिस्टम होता है, कार्य प्रणाली होती है, इसको हम इससे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो हमारे पास में जो गति की है दो प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया शुद्ध बल गति की और शुद्ध बल गति की और बल गति की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुद्ध बल गति की, जिसको हम काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। जब कोई वस्तु प्राकृतिक बलों जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, धारा प्रवाह बल आदि प्रवाह के द्वारा गतिशील होती है तो इस स्थिति को शुद्ध बल गति की कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये पेन है, ऊपर से मैं इसको ले जाकर छोड़ देता हूं तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गति करती है, इसको बोलेंगे शुद्ध बल गति की। ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगर हम इसका दूसरा भाग क्या है, इसके और उदाहरण देख लेते हैं अभी शुद्ध बल गति के। जैसे कोई दो जब कोई वस्तु दो चुंबकीय क्षेत्रों में बीच में रहकर साम्यवस्था की स्थिति में रहती है तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, शुद्ध बल गति की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक नॉर्थ एक साउथ, दो पोल होते हैं चुंबक में, उनके बीच में हम कोई वस्तु रख देते हैं और वो कुछ देर बाद में उस साम्यवस्था में आ जाती है, मतलब अपनी आकार व्यवहार बदलकर, तो उस स्थिति को भी हम शुद्ध बल गति कहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक बलों के कारण जब कोई वस्तु साम्यवस्था की स्थिति में रहती है तो उसको शुद्ध बल गति की कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे नदी में कोई नाव बहती हुई जा रही है तो उस पर लगने वाला कौन सा बल है, वही धारा रेखीय प्रभाव बल, जो किसके कारण हो रहा है, ये गुरुत्व के कारण, ठीक है, तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है।
आगे हम बात करते हैं इसके दूसरे भाग की, जिसको हम बल गति बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं इसको इंग्लिश में काइनेटिक्स। ठीक है, मतलब जब कोई वस्तु पर मनुष्य के द्वारा लगाए गए बलों के प्रभाव में वस्तु गतिज अवस्था में रहती है तो इसे बल गति की कहते हैं। ठीक है, दोबारा समझ लो, जब कोई वस्तु मनुष्य द्वारा लगाए गए बलों के कारण गतिज अवस्था में रहती है तो इसे बल गति की कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप समझेंगे, जैसे जो कुली होते हैं रेलवे स्टेशन पर, जो कुली होते हैं ये क्या करते हैं, धक्का देते हुए गाड़ी को आगे खींचते हैं, मतलब अपने शरीर के बल के कारण वो उस वस्तु को गतिशील अवस्था में कर रहे हैं। तो ये जो बल लगाए जा रहे हैं ना, इसका हम अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे हम गति की, या फिर बल गति की, काइनेटिक्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और समझ लो, मनुष्य द्वारा किसी भी साइकिल पर पैडल मारने को की जो स्थिति है, इस पैडल मारने के कारण वस्तु क्या, वो साइकिल क्या होती है, गतिशील अवस्था में रहती है, तो इसी को भी हम बल गति की कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, इंजीनियरिंग यांत्रिकी का क्या महत्व है और इसकी आवश्यकता क्यों है, इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इंजीनियर के लिए इंजीनियरिंग यांत्रिकों की को पढ़ने का अत्यधिक महत्व है। एक इंजीनियर के लिए मैकेनिक्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस विषय में ज्ञान से छात्र विभिन्न मशीनों तथा उनके डिजाइन को बनाने में सक्षम होता है। अतः इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए मैकेनिक्स को पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बहुत सारे वाहनों की गति, बहुत सारे प्रोजेक्टाइल मतलब जैसे रॉकेट या फिर कोई पत्थर आसमान में फेंका, उसकी गति को समझना, कोई जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका फ्रेम या जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको समझना। ठीक है, तो ये सब किसके कारण होता है, मैकेनिक्स के कारण ही होता है। ठीक है, तो इन सब को समझने के लिए हमको मैकेनिक्स का ज्ञान होना जरूरी है, ये इसलिए आवश्यक है कि मैकेनिक्स पढ़े। ठीक है, अब मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होती हैं जो पूरी मैकेनिक्स में काम में आती है। जब हम मैकेनिक्स शुरू करते हैं वहां से लेकर हम पूरी मैकेनिक्स पढ़ डालते हैं और पढ़ते ही रहते हैं, लाइफ टाइम पढ़ते ही रहेंगे, तब तक ये परिभाषाएं वैसी वैसी रहेंगी, इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो इन परिभाषाओं को, इन महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ना जरूरी है, इसलिए अब हमारा टॉपिक रहेगा अगला, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, तो सबसे पहले इन महत्वपूर्ण परिभाषाओं में हम बात करेंगे द्रव्यमान की, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मास। क्या होता है, एक बॉडी में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसके अंदर पदार्थ की जो मात्रा होती है ना, उसको द्रव्यमान कहते हैं। मैकेनिक्स में द्रव्यमान को अधिकतर कॉन्स्टेंट माना जाता है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये तो परिभाषा हो गई हमारे पास में द्रव्यमान की। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पार्टिकल। ठीक है, हम जब भी स्टडी करेंगे मैं आपसे बहुत बार बोलूंगा पार्टिकल पार्टिकल, है ना, तो वही चीज हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी क्या परिभाषा होती है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित होता है, मतलब कोई वस्तु है जिसका एक बिंदु पर हम पूरा द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं, कण कहलाता है, मतलब पार्टिकल कहलाता है। इस परिभाषा में बॉडी की साइज को नगण्य या फिर बॉडी की गति को असंगत माना जाता है, मतलब जो बॉडी है उसको हम स्थिर मानते हैं, गतिशील नहीं मानते हैं। इसकी साइज चाहे कितनी भी बड़ी हो, हम उसका सारा सारा द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पर ही केंद्रित मानते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्पेस। स्पेस मतलब एक ऐसी खाली जगह जिसके अंदर कोई भी ज्यामिति है उसको बनाया जाता है, मतलब यह बॉडी द्वारा घेरा गया ज्यामितीय क्षेत्र है, मतलब बॉडी द्वारा पूरा घेरा गया ज्यामितीय क्षेत्र है जिसकी स्थिति को निर्देशांक सिस्टम के सापेक्ष लीनियर या एंगुलर माप से निरूपित किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है जिसमें एक्स वाई जेड एक्स लेकर हम उसकी स्थिति को दिखाते हैं, या फिर किसी भी लाइन के द्वारा बनाए गए कोण को दिखाते हैं, या तो कोण के द्वारा दिखाते हैं कि कितने डिग्री पर घुमाव है उसका, या फिर एक्स वाई जेड से उसकी स्थिति को दिखाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्पेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड मतलब रिजिड बॉडी, मतलब एक ऐसी ठोस बॉडी, ठीक है, जिसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो। फिर से समझे, वह बॉडी जो बलों के प्रभाव के कारण अपना आकार नहीं बदलती हो, दृढ़ पिंड कहलाता है। समझ गए, वास्तव में कोई बॉडी दृढ़ पिंड नहीं होती, मतलब सारी सारी बॉडी ऐसी है जिन पे अगर हम बल की मात्रा बढ़ाएं तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता ही होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु हो जिसमें हम कम बल लगाएं तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ज्यादा बल लगाने पर उसमें परिवर्तन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक लोहे का ब्लॉक है, ठीक है,
उस लोहे के ब्लॉक पर अगर हम थोड़ा बहुत वजन डालें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर हम 10-20 या 100 टन का वजन डालेंगे तो वो भी चिपक जाएगा, मतलब चपटा हो जाएगा। तो मतलब उसमें भी परिवर्तन होता है। इसका मतलब यह है कि वास्तव में कोई भी बॉडी पूरी तरह से दृढ़ नहीं होती, लेकिन एक लिमिट तक हर बॉडी दृढ़ होती होती है। ठीक है, वो लिमिट डिपेंड करती है लगने वाले फोर्स के ऊपर। अब हाँ, नेक्स्ट बात करेंगे हम लचीला पिंड, मतलब फ्लेक्सिबल बॉडी, वह बॉडी जो बाह्य बलों के प्रभावों से अपना आकार एवं माप बदलती हो, लचीला पिंड कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर गीला आटा। दूसरा, बात करें हम साइकिल या फिर कार का पहिया, जिसमें हवा भरने पर उसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल गुब्बारा ले लें, जिसमें हम अंदर की ओर हवा भरे तो फूल जाता है, मतलब लचीला पिंड है। उसके ऊपर अगर हम बाहर से बल लगाएं तो वो दब जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लचीला पिंड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है जो हर जगह पर, मैकेनिक्स नहीं, पूरे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर हर जगह पर काम में आता है, वो है समय, टाइम। टाइम क्या होता है? यह घटनाओं के अनुक्रम की माप है, मतलब जो घटनाएं हो रही है कितनी देर तक हो रही है उनको मापने की माप है ये। ठीक है, यह गति की मूलभूत राशि है। यह दो या दो से अधिक होने वाली घटनाओं से पहले, बाद में तथा होने वाली घटना के समय से संबंधित है। इसे स्थैतिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए सीधे तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? फिर से समझ लें, यह घटनाओं के अनुक्रम की माप है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सांतत्य, कॉन्टिनम, कंटिन्यूटी। किसी भी पदार्थ के अणु तथा परमाणु मुख्य घटक होते हैं। किसी भी बॉडी के एक अणु तथा परमाणु पर बलों का विश्लेषण करना संभव है। अतः पदार्थ अणु तथा पदार्थ को एक समान वितरित पदार्थ मानकर औसत व्यवहार मापा जाता है। पदार्थ वितरण की इस अवस्था को सांतत्य कहते हैं। यह दृढ़ पिंड तथा लचीले पिंड दोनों के लिए वैध है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सदिश एवं अदिश राशियों के बारे में, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अदिश राशि, मतलब स्केलर क्वांटिटीज। वे राशियां जिन्हें परिणाम द्वारा दर्शाया जाता है अदिश राशियां कहलाती हैं। इनका केवल परिणाम होता है, परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती, जैसे लंबाई, भार, क्षेत्रफल, घनत्व आदि। इनमें सिर्फ परिमाण होता है, जैसे अगर हम लंबाई की बात करें, 5 मीटर, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, सिर्फ लंबाई है। किस दिशा में लंबाई है कोई पता नहीं चलता इससे। भार, जैसे 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 1 क्विंटल, 10 क्विंटल, ये भार है, इससे हमें दिशा का पता नहीं चलता। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई होती है इसमें। ठीक है, घनत्व की बात करें, जैसे 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से ये घनत्व होता है, तो इससे हमें दिशा का पता नहीं चलता। तो जिन राशियों से हमें दिशा का पता नहीं चलता, सिर्फ परिमाण का पता चलता है, वे राशियां अदिश राशि कहलाती हैं। ठीक है, तो ये अदिश राशियां साधारणतः अंकगणित के नियमों द्वारा जोड़ी या घटाई जाती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम अदिश राशि के बारे में, सदिश राशि के बारे में बात करेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर वेग, बल, संवेग इत्यादि। इन राशियों को जोड़ने या घटाने के लिए सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करना आवश्यक है। ठीक है, जिसको हम सदिश गुणनफल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप सदिश और अदिश राशियां समझ गए होंगे। सदिश राशियों के बहुत सारे मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे बल है, ठीक है, तो बल बल किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? एफ इक्वल टू एम ए, मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण एक दिशात्मक राशि है। ठीक है, तो जब हम किसी भी एक अदिश राशि को सदिश राशि से गुणा करते हैं, तो आने वाला जो आंसर होता है वो एक सदिश राशि होती है। इसलिए बल भी क्या हो जाएगा? एक सदिश राशि हो जाएगा। इस तरह से वेग भी एक सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। इस तरह से जिन राशियों में हमेशा दिशा होती है वो सदिश राशि होती है। ठीक है, तो अदिश और सदिश के बारे में आपको पता लग गया होगा। इस प्रकार का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे मेन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपसे चार राशियां देगा और आपसे पूछेगा, बताइए इनमें से निम्न में से कौन सी सदिश राशि है या फिर कौन सी अदिश राशि है। ठीक है, उनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बाकी तीन गलत आंसर होंगे। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम यूनिट्स की, मात्रक क्या होते हैं। भौतिक राशि के नियत किए गए मान को जिस से तुलना करके राशि का परिमाण प्राप्त किया जाता है, उसे मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास में एक बाट है, ठीक है, और हमें गेहूं तोड़ना है, तो उस बाट से हम तुलना करेंगे कि जैसे मान लीजिए एक बाट है 1 किलो का, उस बाट के बराबर हम
गेहूं तोलेंगे, 5 बार हमने तोल लिया, इसका मतलब वो बाट 1 किलो का है, तो हमने गेहूं 5 बार तोलने से कितना हो गया, वो 5 किलो हो गया। ठीक है, तो हम उसे तुलना करते हैं, गुणात्मक रूप से तुलना करते हैं, उसको बोलते हैं हम मात्रक। ठीक है, तो ये जो तुलना करते हैं इसके 3 तो मूल मात्रक होते हैं, ठीक है, बाकी और बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो आगे बात करते हैं हम मात्रकों के बारे में। तो भौतिक राशि, इसकी शुद्ध परिभाषा आपको एग्जाम में क्या लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। भौतिक राशि के परिमाण को उस राशि के आंकिक मान तथा मात्रा के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक का द्रव्यमान या मात्रक का व्युत्क्रम होता है, अर्थात भौतिक राशि के आंकिक मान में वृद्धि करने पर उसके मात्रक में कमी हो जाती है। भौतिक राशियों के मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मूल मात्रक, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं, जिन्हें किसी भी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न या संबंधित नहीं किया जा सके, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे द्रव्यमान, किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड आदि, मतलब 3 ही होते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई का मीटर होता है, और समय का सेकंड होता है, 3 ही मूल मात्रक होते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम व्युत्पन्न मात्रक की। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जिनको हम ड्राइव यूनिट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, वे मात्रक जो मूल मात्रकों के उपयोग करने से बनाए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे वेग, संवेग, कार्य बल आदि। ठीक है, अब इनके मात्रक कैसे हैं? जैसे वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मतलब मीटर और सेकंड से मिलकर बना हुआ है ये वेग का मात्रक, है ना, इसलिए ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। अगर हम संवेग की बात करें तो संवेग बराबर क्या होता है, पी बराबर एमवी होता है, एम मतलब मास किलोग्राम, और वी मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड, मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये किसका मात्रक हो गया, संवेग का। समझ में आया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग का मात्रक हो गया। तो ये किन किन चीजों से मिलकर बना है, ये तीनों चीजों से मिलकर बना है, ये समय के भी मात्रक से मिलकर बना है, ये द्रव्यमान के मात्रक से मिलकर बना है, और ये लंबाई के मात्रक से भी मिलकर बना है, इसलिए इसको व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। ठीक है, किसी भौतिक राशि का मात्रक चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं, आप इनको ध्यान से सुने। चयन किए गए मात्रक सर्वमान्य उचित आकार एवं परिमाण के हों, ऐसा नहीं है कि आप एक मात्रक एमकेएस पद्धति का ले रहे हैं, एक सीजीएस का, या फिर एक किसी और पद्धति का ले रहे हैं और बाकी किसी और पद्धति का, सारे सारे मात्रक एक ही पद्धति के होने चाहिए। ठीक है, चयनित मात्रक ताप दाब एवं समय के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। हमें जो मात्रक लेने हो कुछ ऐसे हो कि समय के साथ न बदले, न ही उसमें ताप में परिवर्तन के साथ बदलने चाहिए, न दाब में परिवर्तन के साथ बदलने चाहिए, वो हमेशा हर कंडीशन में एक जैसे ही रहने चाहिए। आगे बात करेंगे, चयनित मात्रक सरलता से परिभाषित किए जाने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हमको समझ में आ रहा है लेकिन किसी और को समझ में नहीं है, इस तरह के होने चाहिए, और वो हर जगह पर अपने को एक जैसा बनाए रखें, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे मापा और जब बाद में कहीं दूसरी जगह मापा तो उसकी लंबाई में परिवर्तन आ गया, उसके समय में परिवर्तन आ गया, फिर कुछ और परिवर्तन आ गया। तो ये चीजें व्युत्पन्न मात्रक में होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो भौतिक राशियों के मूल मात्रकों के मापन में प्रयुक्त मुख्य मात्रक पद्धतियां निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित मतलब कौन कौन सी हैं, ज्यादातर 3 पद्धतियां काम में ली जाती है, जिसको हम सबसे पहले एम के एस पद्धति, जिसको एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड, मतलब एम के एस पद्धति। इस पद्धति में हम जो लंबाई है उसका मात्रक मीटर लेते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लेते हैं, और समय का मात्रक सेकंड लेते हैं। यह प्रणाली मीट्रिक पद्धति का रूप है, इसको पहले मीट्रिक पद्धति के नाम जाना जाता है, लेकिन आजकल शॉर्ट में इसको एम के एस पद्धति के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे हम सीजीएस पद्धति। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस फॉर सेकेंड, मतलब सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, और तीसरी बात करेंगे हम फुट पाउंडल सेकंड, मतलब एफपीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, और समय का मात्रक सेकंड होता है। मतलब यहां पर हमने पढ़ने पर हमको एक चीज कॉमन दिखाई दी कि तीनों पद्धतियों में जो समय है उसका मात्रक हमेशा सेकंड ही होता है। ठीक है, लंबाई के मात्रक के बारे में बात करें तो एमकेएस में मीटर होता है, और सीजीएस में सेकंड सेंटीमीटर होता है, और इसमें एफपीएस में फुट होता है। अगर द्रव्यमान के बारे में बात करें तो एमकेएस में किलोग्राम होता है, सीजीएस में ग्राम होता है, और इसमें पाउंड होता है,
एफपीएस पद्धति में। तो आप पद्धति को समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में बात करेंगे, जो इन तीनों पद्धतियों से थोड़ा सा अलग भी है। ज्यादातर ये जो मात्रक है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, ये मीट्रिक पद्धति या फिर एमकेएस पद्धति से मिलता जुलता है। इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में हम एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में प्रदर्शित तीन मूल मात्रकों को लंबाई, द्रव्यमान एवं समय से प्रकृति के सभी व्युत्पन्न मात्रकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अतः 1960 में अंतरराष्ट्रीय माप तथा बाट की सामान्य सभा में मात्रकों की इस पद्धति में संशोधन किया गया और कहा गया कि व्युत्पन्न मात्रकों को परिभाषित करने के लिए अन्य मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। अतः मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में अन्य मात्रक जोड़े गए, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के मूल मात्रक निम्नलिखित हैं। देखो, मूल मात्रक को तीन लिखा गया, लेकिन यहां पर अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं? सात हैं। तो यहां पर मैं एक तरफ भौतिक राशि बताऊंगा, उसका मात्रक बताऊंगा और उसका संकेतिक बताऊंगा। जैसे द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम क्या होता है, इसका मात्रक होता है द्रव्यमान किलोग्राम, और इसका संकेत केजी है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है और स्मॉल एम इसका संकेत है। इसी तरह समय, समय का मात्रक सेकेंड है, इसका जो संकेत है वो स्मॉल एस है, छोटा एस। इस तरह से ताप का बात करें, ताप को हम मात्रक, इसका केल्विन इसका मात्रक होता है और कैपिटल के इसका संकेत है। नेक्स्ट बात करेंगे हम विद्युत धारा की। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसका संकेत कैपिटल ए है। प्रदीपन तीव्रति, तीव्रता मतलब जो लिमुन ज्योति तीव्रता ही बोलते हैं इसको। कैंडल है इसका मात्रक है, और स्मॉल सी डी क्या है, इसका संकेत है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है, और MOL इसका संकेत है। तो ये सात मूल मात्रक हो गए। अब सात मूल मात्रकों के साथ में कुछ पूरक मात्रक भी हैं। पूरक मात्रक मतलब सिर्फ दो ही पूरक मात्रक है, मतलब क्या समझना है इसका, सीधे सीधे बात करें तो दो तरह के कोण होते हैं, एक तलीय कोण एक ठोस कोण। साधारणतः हम जो कोण मापते हैं वो तलीय कोण होते हैं, रेडियन में मापते हैं इसको, RAD इसका संकेत होता है। और ठोस कोण जिसका स्टेरेडियन मात्रक और SR इसका संकेत है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास में व्युत्पन्न मात्रक कितने होते हैं, सात मूल मात्रक और दो पूरक मात्रक होते हैं, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की कुछ विशेषताएं होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआई यूनिट्स क्या क्या होती हैं, चलिए बात करते हैं इनके बारे में। यह मात्रकों की परिमेयकृत मतलब रेशनलाइज्ड पद्धति है, अर्थात इस पद्धति में एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक का उपयोग होता है। दूसरी बात करें, यह मात्रकों से संबंध पद्धति होती है, अर्थात इस पद्धति में सभी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक केवल मूल मात्रक को गुणा और भाग करके ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरी बात करें, इस पद्धति के मात्रक चर तथा उपलब्ध मानकों पर आधारित है। चौथे बात करें, यह मीट्रिक पद्धति है, अर्थात यह पद्धति भी एमकेएस और सीजीएस पद्धति की तरह ही दशमलव पद्धति भी है, ठीक है। मतलब हम एक दूसरे को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मूल मात्रकों की कुछ परिभाषाएं हैं, इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीटर की, क्या होती है मीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि मीटर क्या होता है, मीटर पता ही परिभाषा होता है ये, तो मीटर की परिभाषा आपको ये बतानी है, और अगर परीक्षा में पूछ भी लेता है तो आपको यही बतानी है कि एक मीटर वह दूरी है जिसमें क्रिप्टोन 86, 86 क्या है क्रिप्टोन का, परमाणु क्रमांक, क्रिप्टोन नाम का जो परमाणु पदार्थ है से उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश की 1,65,00,000, नहीं ऐसे ऐसे समझो, इसको बढ़िया सुन बोले तो 1,650,76, या फिर ऐसे बोले कि 1,650,763, 1,65,00,763, या फिर ऐसे बोले 1,00,000 या 16,50,763.73 तरंगे निर्वात में स्थित होती है। मतलब अगर हम
ये जो क्रिप्टोन 86 है ना, वो जितनी तरंग दैर्ध्य लाल किरणें निकालता है उसकी जो तरंग दैर्ध्य है उसको इस संख्या से मतलब 1650 763.73 से गुणा कर दें तो जो लंबाई आती है ना वो 1 मीटर के बराबर होती है, ऐसे समझेंगे। ठीक है, तो ये मीटर हो गया। अगर मीटर में, मीटर को हम कैसे बदल सकते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं मतलब 10^3 मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं मतलब 1 सेंटीमीटर में 10^-2 मीटर होते हैं, या फिर ऐसे बोले कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में 10^-3 मीटर होते हैं, 1 माइक्रोमीटर में 10^-6 मीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर में 10^-9 मीटर होते हैं, 1 एंगस्ट्रोम में 10^-10 मीटर होते हैं, और 1 फर्मी में 10^-15 मीटर होते हैं। एक ये फर्मी क्या है, फर्मी क्या है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है ना वो फर्मी में मापी जाती है। ठीक है, ध्यान रखें। अब हम दूसरे मूल मात्रक के बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं किलोग्राम। क्या होता है किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब पेरिस, पेरिस में एक जगह नाम है सीवर्स, में रखे प्लेटिनम इरेडियम के बेलन के द्रव्यमान के बराबर है। मतलब एक पेरिस एक जगह फ्रांस की राजधानी है, उसके अंदर एक जगह है सीवर्स, वहां पर एक लैब है, उसके अंदर प्लेटिनम इरेडियम की बने हुए एक बेलन है, उसका वजन 1 किलोग्राम है तो उसके बराबर है इसका वजन। इस बेलन की ऊंचाई में व्यास 3.9 सेंटीमीटर है, मतलब उसकी ऊंचाई भी और व्यास भी 3.9 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो इतना भारी है वो। आगे बात करेंगे, यह 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान के बराबर भी है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी, 1 लीटर जो पानी है ना उसका वजन भी 1 किलोग्राम के बराबर होता है। आगे बात करें, 1 किलोग्राम मात्रा कार्बन-12 के 5×10^25 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर है, मतलब 5×10^25, 5 के आगे 25 जीरो लगा दो। ठीक है, उनका जो वजन होगा वो 1 किलोग्राम के बराबर होगा, मतलब अगर हम सीधे सीधे बात करें 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 10^3 ग्राम होता है मतलब 1000 ग्राम होता है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, 1 टन में 1000 ग्राम होता है, 1000 किलोग्राम होता है, और 1 मिलीग्राम में 10^-3 ग्राम होता है। ठीक है, अब आप समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम समय, सेकंड की परिभाषा क्या होती है। सेकंड, 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम परमाणु मतलब CS-133, इसको हम परमाणु घड़ी में काम लेते हैं, में 91-92-631-770 बार कंपन करता है। दोबारा समझे, वह समय जिसमें सीजियम परमाणु कितनी बार कंपन करता है, 91-92-631-770 बार कंपन करता है, तो वो जो समय इतनी बार कंपन करने का जो समय होता है ना वो समय क्या होता है, 1 सेकंड के बराबर होता है। तो 1 सेकंड, 1 मिली सेकंड क्या होता है, 10^-3 सेकंड के बराबर होता है, 1 माइक्रो सेकंड 10^-6 सेकंड के बराबर, 1 नैनो सेकंड 10^-9 सेकंड के बराबर, 1 पिको सेकंड 10^-12 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम एम्पियर की। एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो सीधे समानांतर अनंत लंबाई व नगण्य वृत्ताकार परिच्छेद वाले तारों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य प्रति मीटर लंबाई पर 2×10^-7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मतलब दो वस्तुएं दूर दूर रखी हुई हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई हैं, उनमें धारा प्रवाहित कर दें। ठीक है, तो धारा प्रवाहित करने पर उनके जो दोनों एनोड और कैथोड है उनके बीच में 2×10^-7 न्यूटन बल जब उत्पन्न होता है, ठीक है, तो जो धारा उसमें प्रवाहित की जा रही है वो होती है 1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम केल्विन की। अब केल्विन क्या होता है, 1 केल्विन सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक व बर्फ के गलनांक के बराबर होता है, गलनांक का 1/16 भाग होता है, 1/16 भाग होता है। दोबारा समझें, 1 केल्विन सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक व जल के गलनांक के अंतर का 1/16 भाग होता है, मतलब वह तापमान जिस पर पानी उबलता है और वह तापमान जिस पर पानी जम जाता है तो उनके बीच में जो तापमान गैप है ना उसको 100 बराबर भागों में बांट दें तो जो 1 भाग आएगा वो 1 केल्विन के बराबर होगा। ठीक है, 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु पर 273.16 केल्विन के ऊष्मागतिक ताप पर पानी जम जाता है। ठीक है, मतलब इस पर ना तो पानी जमता है ना भाप, देखो तीनों अवस्थाओं में रहता है, इसको जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वह पदार्थ अपनी सभी अवस्थाओं में रहता है मतलब तीनों अवस्था में रहता है उसको त्रिक बिंदु कहते हैं, और जल का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम कैंडेला की। कैंडेला मतलब ज्योति तीव्रता दिखाने का काम करता है। यह कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/16
6 लाख, 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रतिदीपन तीव्रता है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, उसमें अगर हम 6 लाख का भाग दें तो कितना छोटा सा भाग आएगा, ठीक है, उसमें जो चमक उत्पन्न होती है उसकी तीव्रता के बराबर है एक कैंडेला, जबकि कृष्णिका का दाब 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, इतना दाब होना चाहिए, और ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होना चाहिए, तो ताप भी ज्यादा होना चाहिए उसका, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 7वें नंबर की, जिसको हम बोलते हैं मोल। मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए जो यूज करते हैं उसको मोल कहते हैं। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा का द्रव्यमान है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी है जितने की ऑक्सीजन 16 के 0.016 किलोग्राम में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या होती है। आप इसको ऐसे समझे कि 1 किलोग्राम में, दोबारा समझे, एक मोल पदार्थ की द्रव्यमान की वह मात्रा जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी है जितनी की 0.016 किलोग्राम ऑक्सीजन में जो अणु परमाणु की संख्या होती है वो एक मोल पदार्थ कहलाता है, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे बोले कि एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें वह द्रव्यमान है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी है जितनी कि कार्बन-12 के 0.012 किलोग्राम कार्बन परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। या तो आप ऑक्सीजन समझ लें या फिर आप इसको कार्बन समझ लें, ठीक है। तो ये हमारी कुछ परिभाषाएं हो गई। अब व्युत्पन्न मात्रा को कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो चलो हम अब इसको अगले लेक्चर में करते हैं। व्युत्पन्न मात्रा होती है जैसे रेडियन है, स्टेरेडियन है, चलो करते हैं आगे। रेडियन, एक रेडियन एक तलीय कोण है जो एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। मतलब कैसे, कोण का सीधा फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, मतलब थीटा बराबर S/R। S क्या है? चाप है। R क्या है? रेडियस, त्रिज्या है, ठीक है। तो यहां पर S चाप की लंबाई है, R वृत्त की त्रिज्या है, और थीटा केंद्र पर अंतरित कोण है, ठीक है। S बराबर R हो तो थीटा बराबर 1 रेडियन हो जाएगा। 1 रेडियन बराबर π/180। 1 रेडियन निकालने के लिए π/180 करते हैं हम। इसी तरह से अब बात करेंगे हम स्टेरेडियन की। एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो गोले के पृष्ठ का भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। हम जानते हैं कि गोले के केंद्र पर अंतरित ठोस कोण कितना होता है? गोलीय सतह का क्षेत्रफल बटे गोले की त्रिज्या का स्क्वायर। इसको हम जो ओम ओम इस तरह से बोलते हैं, इसको जैसे ओम दिखाते हैं उसके चिन्ह, तो ओम बराबर a/r² मतलब area/r², जहां ओम, मतलब आप इसको ओम नाम दे सकते हैं या फिर आप जो भी बोलना चाहें इसको, गोले के केंद्र पर अंतरित ठोस कोण है, ठीक है। एक गोलीय सतह का क्षेत्रफल है और r इसकी त्रिज्या है, a/r² होता है, और यहां पर ओम बराबर 1 स्टेरेडियन। a बराबर, अगर r² बराबर है तो ओम बराबर 1 स्टेरेडियन होता है। अब व्युत्पन्न भौतिक राशियां, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ये हम अगले लेक्चर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आए तो कमेंट करें, जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, धन्यवाद।